नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरों की। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर हुआ जोरदार प्रदर्शन। बता दें, हिंदू संगठनों ने बैरिकेड तोड़े तो वहीं पुलिस ने किया लाठीचार्ज, चलाया वाटर कैनन, पथराव में घायल हुए कई सिपाही। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक और बढ़ा दी गई। सीबीआई की चार्जशीट पर जवाब किया दाखिल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक को दी जमानत। हरियाणा में आप उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट हुई जारी। 21 नामों की लिस्ट में जुलाना से विनेश फोगाट के सामने पूर्व WWE रेसलर कविता को उतारा। हिमाचल में हुआ बड़ा हादसा, एक परिवार के 8 लोग और एक ड्राइवर समेत उफनते नाले में गिरे, सभी की हुई मौत। बंगाल त्रिपुरा बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की गई नाकाम। आपको बता दें, BSF ने 11 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी भी 122 अंक गिरी। वहीं सोना 432 रुपये बढ़कर 72,022 पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 747 रुपये महंगी होकर 82,954 रुपये प्रति किलो बिक रही। लेकिन आप कैरेट के हिसाब से देखें सोने चांदी के भाव। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में हिसार से भाजपा की टिकट ना मिलने पर नाराज चल रही भारत की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब कांग्रेस से टिकट की आस लगाकर बैठी हैं। दरअसल अगर कांग्रेस भी उन्हें टिकट नहीं देती तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। आपको ये भी बता दें कि जिंदल समर्थकों की निगाहें अब कांग्रेस पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि जिंदल परिवार पहले कांग्रेस में ही था, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें हिसार से टिकट जरूर देगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि सावित्री जिंदल से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर ही हिसार से विधायक बनी थी। इससे पहले उनके पति ओम प्रकाश जिंदल हिसार से ही विधायक रहे और अपने पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से जिंदल परिवार को कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद सावित्री जिंदल आगे का फैसला करेंगी। हालांकि सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल लगातार अपनी माँ को कांग्रेस में ना जाने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल चौथी लिस्ट में कुल 21 उम्मीदवारों के टिकट के नाम दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट में 20 प्रत्याशी, तो दूसरी लिस्ट में 9 और तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। वहीं चौथी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद आपके कुल प्रत्याशियों की संख्या 61 हो गई है। बताते चले कि 12 सितंबर प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तारीख है। इससे पहले आप पार्टी को अब 29 और उम्मीदवारों का ऐलान करना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अंबाला कैंट सीट से राज कौर गिल, यमुनानगर से ललित त्यागी, लाडवा से जोगा सिंह, कैथल से सतवीर गोयल, तो करनाल से सुनील बिंदल, पानीपत से ग्रामीण से सुखबीर मलिक, गनौर से सरोज बाला राठी, सोनीपत से देवेंद्र गौतम, गोहाना से शिव कुमार रंगीला, वरोदा से संदीप मलिक, जुलाना से कविता दलाल, सफीदों से निशा देशवाल, टोहाना से सुखविंदर सिंह गिल, कलावली से जसदेव निक्का, तो सिरसा से श्याम मेहता को टिकट दिया गया है। वहीं हरियाणा में ग्रामीण बहुल व जिले में सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं वाले पृथला विधानसभा क्षेत्र से ही इस बार इनेलो व जजपा के प्रत्याशी नजर नहीं आएंगे। इनेलो और जजपा दोनों दलों का राजनीतिक जनाधार जाट मतदाता है, पर दोनों ही दलों ने ये क्षेत्र अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिए हैं और खुद मैदान से आउट हो गए हैं। दरअसल जजपा ने प्रदेश में गठबंधन आजाद समाज पार्टी के साथ किया है और इनेलो ने बहुजन समाज पार्टी के साथ। आपको बता दें, इनेलो में 56 सीटों पर और बसपा 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वही अब इनेलो ने इस बार पृथला सीट पर अपना दाव नहीं किया है और सीट को बसपा के खाते में दे दिया है और बसपा ने अपना प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ को बनाया है। बताते चले कि वशिष्ठ बसपा से टिकट पर क्षेत्र से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इसीलिए इस बार पृथला सीट की EVM में चश्मा चुनाव निशान नहीं होगा। इसी तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में JJP
पूरे प्रदेश में पहली बार लड़ रही थी और जसपा ने अपना टिकट शशिबाला तेवतिया को दिया था, लेकिन शशिबाला तेवतिया ने चुनाव चिन्ह लेने से पहले ही अपना नामांकन वापस ले लिया था। इस तरह से यहां पर पिछले चुनाव में पार्टी के टिकट पर कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा था और ना ही ईवीएम में चाबी का निशान था। हरियाणा में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज्य स्तरीय नेता नहीं चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में दोनों दलों का फिर से गठजोड़ हो और दोनों दलों के नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं इसका बड़ा कारण रही हैं। बता दें, कांग्रेस और आप के राष्ट्रीय नेताओं ने ही दोनों दलों के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बातचीत शुरू की थी, लेकिन गठबंधन पर कांग्रेस का कोई स्पष्ट जवाब आने से पहले ही आम आदमी पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं ने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की सोच हरियाणा में आप से गठबंधन कर अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाने की थी। आपको बताते चले कि भविष्य की राजनीति परिस्थितियों के बारे में कांग्रेस की सोच आम आदमी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ भी इसी तरह के रिश्ते बनाए रखने की है। वहीं आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन डॉक्टर संदीप पाठक और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की रणनीति भी कांग्रेस को सहारा बनाते हुए हरियाणा में पहली बार खाता खोलने की थी। बीजेपी ने प्रदेश के 87 सीटों पर टिकटों की घोषणा कर दी है, वहीं केवल 3 सीटों पर अभी भी संशय बना हुआ है। बता दें, इन 3 सीटों में से एक महेंद्रगढ़ की सीट भी शामिल है। इसके अलावा फरीदाबाद, एनआईटी और सिरसा है। महेंद्रगढ़ पर भाजपा ने अभी भी प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं किया है। बताते चले, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की घरेलू सीट पर पहली बार ऐसा हुआ है कि टिकट बांटने वाले को ही सर्वाधिक इंतजार करना पड़ रहा है। सबके बीच केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत ने पहले मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बड़ा दावा ठोक दिया और अब टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के सामने नई डिमांड रख दी है। बता दें, जिसमें उन्होंने कहा कि रामविलास शर्मा के घर जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि तब पार्टी उन्हें टिकट दे ही देगी। भाजपा की ओर से दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले ही उनके पास केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने फोन करके नामांकन पत्र दाखिल करने की बात कह रही थी। इससे टिकट को लेकर इंटरनेट मीडिया पर चल रही बहस को विराम चिन्ह भी लग गया था। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।